गाइज, अगर आप अपने कोटक महिंद्रा में एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोले हैं जो कि कोटक महिंद्रा 811 आपको देखने को मिलता है, इस पर काफ़ी बंदों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैं इस पर जीरो बैलेंस अकाउंट तो ओपन करने जाता हूँ बट एड्रेस में मैं फंस जाता हूँ। मैं एड्रेस डालने जाता हूँ तो अपना एड्रेस ही डालता हूँ आधार कार्ड का, बट उधर पर वो एड्रेस नहीं ले रहा है और मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता ही है कि कोटक महिंद्रा की जो ब्रांचेज होती हैं उसके आसपास के एरिया का आपका एड्रेस होना चाहिए, तभी वो एड्रेस लेता है, और साथ में आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो कभी भी नहीं लेता। तो इसका सलूशन आज की इस वीडियो में 101% आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग करने जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उधर पर एड्रेस डिटेल मांगी जाती है। जैसे कि पर्सनल डिटेल में आपको एड्रेस जो अपना डालना है वो आधार कार्ड का ही डाल देना है, बट जो एड्रेस ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद बोला जाता है वो आपको क्या डालना है। जैसे कि आपको बताइए कोटक महिंद्रा की ब्रांच जो होती है वो सिटियों में अवेलेबल होती हैं, जो कस्बे होते हैं या फिर आपको रूरल एरिया है जिस अवेलेबल नहीं होती, तो उधर पर ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको इधर पर देख लेना है कि जो आपकी ब्रांच है वो सबसे पहले ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरा होम है वो इधर पर है और 80 किलोमीटर की दूर की मैं ब्रांच डालता हूँ तो आज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा हो जाता है कि अभी मैं रह रहा हूँ कानपुर में और मैं डाल दूँ मुंबई की ब्रांच, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको ब्रांच थोड़ा आसपास एरिया की ही सिलेक्ट करनी है। अब ब्रांच आसपास एरिया की आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद एड्रेस जो पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आधार कार्ड से ऑलरेडी डिडक्ट कर लेता है, अगर डिडक्ट नहीं करता तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना ही एड्रेस डालना है जो कि आधार कार्ड का एड्रेस है, और जो आपका रिसेंटली एड्रेस पूछा जाता है ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद वो आपको डालना है ब्रांच के पास का ही। अब ब्रांच के पास का एड्रेस आप बोलोगे कि भाई कौन सा एड्रेस डालूं, ऐसे मैं कैसे एड्रेस डाल सकता हूं। अब गाइस मैं आपको बता दूं, एड्रेस तो आप डालेंगे उधर पर, एड्रेस क्या डालना है, ब्रांच के एरिया का जो एड्रेस होता है भी उधर का सेक्टर लगता है उस सेक्टर को डाल देंगे और ब्रांच का नेम ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच के आसपास का ही एरिया का नेम डालकर आप सबमिट कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रांच आपसे ये अगर कल के दिन पूछती है कि भाई ये एड्रेस कौन सा डाला था, वैसे तो पूछती नहीं है, मैंने अपने ब्रदर का ओपन किया था, मैंने ब्रांच के आसपास एरिया का डाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रांच बाई चांस पूछती हुई तो आपको सिंपल से बोल देना है मैं उधर उधर पहले रहता था तो उस एड्रेस में मैंने अपना अकाउंट ओपनिंग कर लिया था, कभी ब्रांच पूछती नहीं है। बट बाई चांस की बात बता रहा हूँ, अगर ब्रांच पूछती भी है तो ये आपको बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उस एरिया का एड्रेस आप डालने के बाद सबमिट करते हैं तो 101% आपका एड्रेस ले लेता है। अब काफ़ी भाइयों का कन्फ्यूज़न ये होगा कि भाई मैं एड्रेस वो तो डाल देता हूँ बट जो मेरी चेकबुक है, डेबिट कार्ड है, वो कहाँ पर डिलीवर होगा। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, चेकबुक और साथ में आपका जो डेबिट कार्ड है वो उधर पर ही जाएगा डिलीवर होने। ये बात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग नहीं बताते और बोलते हैं भाई आपके एड्रेस पर ही ये डिलीवर होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब चीजें आपकी उधर पर ही जाती हैं जोन एड्रेस आप ब्रांच के आसपास एरिया का डालेंगे। अब उधर पर जाती है तो आपको सबसे पहले तो देख लेना है उस एरिया का कोई रिलेटिव रहता है आपके पास या फिर नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो उसके लिए वो ऑलरेडी वापस हो जाएंगी सब चीज़, आपकी चेकबुक और साथ में डेबिट कार्ड। अब आपको करना क्या है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम चेकबुक अपनी ऑर्डर करेंगे तो एड्रेस एडिट करने का ऑप्शन आता है, एक करंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, उस करंट एड्रेस में आप जहाँ पर रह रहे हैं उधर का एड्रेस डाल लीजिएगा और अपनी चेकबुक को डिलीवर करा लेना। ये इजी सा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, यही कुछ डेबिट कार्ड पर भी आपको देखने को मिल जाए आता है। जब भी आप डेबिट कार्ड को ऑर्डर करते हैं फिर चेकबुक को ऑर्डर करते हैं तो एड्रेस डालने का एक ऑप्शन आता है, अल्टरनेट एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, उस एड्रेस पर आपको वही एड्रेस डाल देना है जो कि रिसेंटली में आप रह रहे हैं। तो ये कुछ आपको दिक्कत देखने को मिलती है, इसको आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ब्रांच के आसपास एरिया में किसी भी एरिया का आप एड्रेस डाल दीजिए या फिर आपके रिलेटिव रहते हैं आसपास के एरिया में तो उधर का एड्रेस डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एड्रेस मतलब कहने का यही मतलब है ब्रांच के आसपास एरिया का ही एड्रेस होना चाहिए, तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। काफी भाइयों के मन पर ये कंफ्यूजन था कि भाई ऐसे कैसे कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पर्सनली अपने ब्रदर का ओपन किया था तो ऐसा ही कुछ एड्रेस डाला था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो गाइस इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना, जो भी प्रॉब्लम आए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।